फ्रेंड्स, करेले की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और जितने भी व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। इससे आगे आने वाली कोई भी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, आज मैं करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। करेले को मैंने धुल लिया है, धुल के मैं इसका छिलका नहीं निकालूंगी, बिना छिलके सही थी बनाऊंगी। आप भी ऐसे ही बना के देखिएगा, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से ज़रूर बना के देखना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम लंबे स्लाइस में काटेंगे। इसके देखिए बीज मोटे हैं तो बीज हम निकाल देंगे। अगर बीज पतले पतले हैं तो आप उनको मत निकालिएगा, लेकिन अगर बीज बड़े हैं तो उनको हम निकाल देंगे। इस बाउल में हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। इसमें एक भी बीज नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़े वाले बीज थे, तो मैंने सारे बीज हटा दिए हैं। देखिए इस तरह से तरह से सारे करेले को मैंने देखिए कट कर लिया है। ये बीज निकाल लिए हैं जो बड़े बड़े थे। अब इस करेले में थोड़ा सा नमक मिला के हम रखेंगे। नमक मिला के लगभग 5 मिनट तक हमको रखना है, जिससे करेले का कड़वापन सारा निकल जाए। तो 5 मिनट इसको रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इन करेलों को साफ पानी से धुल लेंगे, जिससे अच्छी तरह से इसका कड़वापन निकल जाए और जो मैंने नमक इसमें ऐड किया था वो निकल जाए। करेले को मैंने अच्छी तरह से साफ पानी से धुल लिया है 2 बार। और ये मैंने पंचफोरन मसाला ले लिया है, ये मैंने गुड़ ले लिया है और ये प्याज कट करके ले लिया है। गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे।
करेले को ये डाल देंगे जिससे हल्के से फ्राई हो जाएंगे। लगभग मुझे 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है, गैस को धीमा ही रखेंगे। करेले को फ्राई करते हुए लगभग मुझे 5 मिनट हो गया है, देखिए आराम से टूट भी रहा है। अब मैं इनको निकाल दूंगी। दोबारा इसी कढ़ाई में फिर तेल डालेंगे। करेले के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही यूज कीजिएगा। आप पंचफोरन मसाला डालेंगे। प्याज, हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला, अब इन करेलों को डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये गुड़ है वो मैं डाल दूंगी इसमें। आमचूर पाउडर, खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है करेले में। आमचूर पाउडर और गुड़ जरूर डालिएगा। अच्छी तरह से चला दूंगी। अब इसको बंद करके लगभग 10 मिनट के लिए और हम कुक करेंगे जिससे अच्छी तरह मसाले करेले में अपना फ्लेवर छोड़ दे। 10 मिनट बाद खोल के देखेंगे सब्जी मेरी अच्छी तरह से पक गई है। देखिए को चला देंगे अच्छी तरह से। इस प्लेट में निकालते हैं इसको, हम इसको फैला देंगे जिससे अच्छी तरह से गुड़ जो इसमें है चाशनी वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। एक प्लेट पे निकालते हैं हम।